पता यार, मैं ना बचपन में सोचता था कि मैं कब बड़ा होऊंगा, और अब जब मैं बड़ा हो गया सोचता हूँ कि क्यों बड़ा हो गया। खो दिया यार मैंने अपना बचपन। 3 बार अब तक मुझे मकड़ियों ने काटा है, बट अब तक मैं स्पाइडरमैन नहीं बना। वो स्कूल असेंबली का प्रेयर जो मुझे आज तक याद नहीं हुआ, दोबारा मैं वो सीखना चाहता हूँ। सही बताओ तो मैं अपना बचपन दोबारा जीना चाहता हूँ। बट आज का ये पोएम द चाइल्डहुड तुम्हें और मुझे ये रियलाइज करवा रहा है कि भाई जो बचपन और उसके साथ जो मासूमियत भरा मेमोरीज था ना, वो एक बार हमने खो दिया ना, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते वीडियो को स्टार्ट। हाँ, और एक बात, पोएट का नाम तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन पे। जो बता रहे हो तो ठीक है, जो नहीं बता रहे ना तुम लोग यार भाई फिर देख लो, मेरी तरह सिंगल मरना है तो तुम्हें देख लो यार, तुम्हारा है डिसीजन। तो हमारा पॉइंट बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल ओवरथिंकर ये सोच रहा होता है कि उसने अपना बचपन कब और कहाँ खोया। पहले जानते हैं कि उसने अपना बचपन कब खोया, जिसके लिए पहला स्टेंज है जहाँ उसने कहा कि जब उसे पता चला कि अब वो 11 साल का एक बच्चा नहीं रहा, यानी कि वो एक टीनेजर बन चुका है, क्या तब उसने अपना बचपन खो दिया था, या फिर जब उसे पता चला कि ये हेवन और हेल जैसा चीज जो है ये हमारे ज्योग्राफी पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारी चीजें इमेजिनरी है। अब ये चीज तो तुम्हें भी पता होगा कि बचपन में सब कहते थे कि अगर गलत काम करोगे तो नर्क पे जाओगे और अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग पे जाओगे। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ ना यार, एक बात समझ आया कि साले ये जो गलत काम करते हैं ना ये लोग हैप्पी होते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही हमेशा बुरा होता है। हाँ, तो क्या ये चीज रियलाइजेशन होने के बाद कि ये हेल और हेवन दोनों ही इमेजिनरी चीज है, रियल ज्योग्राफी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्या तभी उसने अपना बचपन खो दिया था। And now, a poem का second stanza, जहाँ हमारा point, being a again responsible overthinker, फिर से अपने आप से वही सवाल कर रहा होता है कि कहाँ खोया मैंने अपना बचपन, क्या तब जब मुझे पता चला कि ये बड़े लोग ना जैसा दिखाते हैं ना वो ऐसा है नहीं। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने एग्जाम्पल के साथ, मेरे रिलेटिव मेरे सामने ना बहुत कहते हैं कि यार मुझे ना तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है बेटा, मुझे पता है कि तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे, बट वही लोग पीठ पीछे मेरे ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जिंदगी पे, अपना समय और माँ बाप का पैसा बस इधर उधर बर्बाद कर रही है। कितना अच्छा लगता है ना सुन के ये बातें, डबल स्टैंडर्ड लोगों का। खैर हाँ, तो यही बात जो हमारे पोइट को रियलाइज हुआ कि बड़े लोग ना जैसे दिखते वैसे है नहीं, हमारे साथ बहुत प्यार से बातें करते, प्यार की बातें करते कि बेटा लड़ो मत, प्यार से रहो सबके साथ, बट वो खुद वो चीज नहीं करते, आपस में एक दूसरे से छोटे छोटे बातों पे चलते। क्या ये सारी चीजें जब मुझे यानी कि पोइट को पता चलता है कि बड़े लोगों का तो डबल स्टैंडर्ड है, क्या तब उसने अपना बचपन खो दिया था। कुछ भी कह लो यार, बट हमारा पोएट अलग लेवल वाला ओवरथिंकर है, एंड आई एम इम्प्रेस विद दैट। एंड नहीं सही में मैं इस पोएम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक सही में ये पोएम तुम्हें रियलाइज करवाता है कि ओवरथिंकिंग इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, जब तक तुम उसे लिमिट में करते हो। लाइक मैं भी कभी कभी अपने दोस्तों को लेके ओवरथिंकिंग करता हूँ कि स्कूल टाइम पे हम सोचते थे कि हमारा ये दोस्ती ना कभी खत्म नहीं होगा, चाहे स्कूल खत्म हो जाए ये दोस्ती हमेशा रहेगा, बट आज जब देखता हूँ कई लोगों के साथ तो कॉन्टेक्ट तक नहीं है, और कुछ जो है वो भी मतलब ऐसी है कि हाँ हेलो हाय एंड बाय बाय वाला, वो स्पार्क नहीं है जो स्कूल टाइम पे हुआ करता था हम लोगों के बीच। तो ओवरथिंकिंग करना चाहिए, अपने आप के बारे में पता चलता है। और देखो मैं सही में मानता हूँ कि ओवरथिंकिंग ना दिल से निकलने वाला बात होता है, एंड वो बात कभी झूठ नहीं होता है, बस कभी कभी हम ज्यादा कर देते ओवर थिंक, एंड दैट इज नॉट गुड आई गेस। खैर बढ़ते थर्ड स्टैंड जॉब पे, जहाँ हमारा पॉइंट बीइंग अगेन रिस्पॉन्सिबल ओवर थिंकर सोच रहा होता है और अपने आप से ये बात पूछ रहा होता है कि कहाँ खोया मैंने अपना बचपन, वही सवाल, क्या तब जब मुझे ये पता चला कि अब मैं जिंदगी में इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपना थॉट्स एंड अपना ओपिनियंस है अब मेरा, दुनिया को लेके लोगों को लेके, अब मुझे किसी दूसरे का थॉट्स एंड ओपिनियंस नहीं चाहिए, मेरा कुछ अपना थॉट्स एंड ओपिनियंस है। अब ये लाइन को तुमसे ज्यादा और कौन ही समझ पाएगा, मुझे पता है कि तुम लोग ज्यादातर टीनेजर ही होगे, एंड टीनेज में क्या होता है, तुम्हारा फैमिली पेरेंट्स भाई भैया या दोस्त सबसे होता है यार तुम्हारा ओपिनियन एंड थॉट्स अलग अलग, वो कुछ और सोचते हैं तुम कुछ और सोचते हो, एंड जरूरी नहीं है कि वो जो सोचते हैं तुम भी वही सोचो, तुम्हारा थॉट्स एंड ओपिनियन चीजों को लेके कुछ अलग हो सकता है। हाँ बट वो बात अलग है कि बीइंग इंडियन पेरेंट्स इंडियन फैमिली उनका ओपिनियन एंड थॉट्स ही तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता है और तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, लाइक अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करना हो या कुछ भी। हाँ खैर जो भी हो, जब हमारे पोइट को ये बात पता चला कि अब उसका अपना कुछ थॉट्स एंड ओपिनियंस है चीज़ों को लेके और इस दुनिया को लेके और लोगों को लेके, और वो थॉट्स बिल्कुल उसके अपने हैं और बस अपने हैं, क्या तब उसने अपना बचपन खो दिया था। एंड नाउ आ चुके हम अब पोएम का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंड पे, जहाँ हमारा पोएट बीइंग रिस्पॉन्सिबल ओवरथिंकर ये नहीं सोच रहा होता है कि उसने अपना बचपन कब खोया, अब हमारा भाई सोच रहा होता है कि उसने अपना बचपन कहाँ खोया, किस जगह पे खोया। तो देखो
बचपन की जो मासूमियत होती है ना, इनोसेंट एंड चाइल्डहुड होता है ना, वो हमारे भाई ने कहीं एक ऐसा गुमनाम जगह पे खोया है जहाँ वो वापस अब दोबारा नहीं जा सकता, नहीं ला सकता उस बचपन को। बट हाँ, आज भी वो उस यादों को, उस बचपना, उस मासूमियत को देख सकता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके चेहरे पे। लाइक ये लाइन ना बहुत गहरा है, तो मैं मेरे कहानी के साथ समझाता हूँ। तो रिसेंटली मैंने अपना पहला सोलो ट्रिप किया बनारस पे। एक बिल्कुल ही अनजान शहर मेरे लिए था, बट हाँ मैंने जाके वो अलग के लिए एक दोस्त बनाया, और क्या यादें बनाए उसके साथ मैंने। सो पहले दिन तो हमने ऐसे चिल मारा, हैंग आउट किया। शाम को उसने कहा कि मेरे काम है, BHU स्कूल था वहाँ पे वो पढ़ता था, तो उसे अपना 10th का सर्टिफिकेट लेना था। तो कहा उसने कि चलोगे मेरे स्कूल? मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलेंगे। तो हम गए स्कूल, बारिश आ गया, और उसी समय स्कूल का घंटा बजता है, यानी कि छुट्टी हो चुका था स्कूल पे। जो बड़े क्लास 9th-10th के बच्चे थे वो तो छाता होता लेके जा रहे थे, हम भी अपना छाता लेके जा रहे थे। बट उसी समय जो क्लास 1-2 का जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो भी आ रहे थे अपना छाता फेंक के, बिल्कुल बारिश में भीगते हुए, कीचड़ में अपना पैर थिरथिराते हुए, अपने पूरे कपड़े को गंदा करते हुए। देखो कोई डर नहीं था उन्हें कि बीमार पड़ेगा, कपड़ा भीग जाएगा। वो चिल थे, उसी मोमेंट को जी रहे थे, उस बारिश की बूंदों को एंजॉय कर रहे थे। और उसे देखते हुए मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और पूरे स्कूल के सामने मैं और मेरा दोस्त भी कूद गया बच्चों के साथ, फोटो वोटो खिंचवाया। मैं तुम्हें प्राइवेसी के कारण दिखा नहीं सकता वो सब चीज़ें, बट हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सही में मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि शायद यही हमारा बचपन जो कि इन बच्चों के चेहरों पर है, और उन बच्चों के अंदर का मासूमियत और वो बचपना देख के शायद हमारा भी बचपना कहीं ना कहीं जाग गया, और हमने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। तो खैर, हमारा पॉइंट यहाँ पे यही कहना चाहता है कि उसने अपना बचपन को कहीं ऐसी जगह पे खो दिया जहाँ से वो दोबारा वापस नहीं ला सकता उसे। बट हाँ, आज भी वो बचपन को, वो मासूमियत को बच्चों के चेहरों पे देख सकता है। तो यही पे हमारा ये पोएम होता है खत्म। बट जाते जाते ना, मेरे तरफ से भी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ओवरथिंकर। लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे हम बड़े क्यों ना हो जाए, हम अपना बचपन तब तक नहीं खोते जब तक हम ना वो बकैती नहीं करना छोड़ते, बच्चों की तरह बिहेव करना नहीं छोड़ते। बट क्या करें, बड़े होते हैं ना तो कूल बनना होता है हमें, तो हम कूल जैसा बिहेव करते हैं, एंड इसी के साथ साथ शायद हम अपना बचपन भी खो देते हैं। बट इस पोएम को पढ़ने के बाद मैं तो श्योर हूँ आज से और बकैती करूँगा, बच्चों की तरह बिहेव करूँगा। मेरे साथ तो है भी ऐसा चीज़, ठीक है, जब मैं नॉर्मल रहता हूँ ना घर पे, कॉलेज पे, आई एम सीरियस गाय, ओके, ज़्यादा बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट हूँ। बट जब मैं ट्रैवल कर रहा होता ना भाई, तो मेरा अलग ही रूप रहता है, बिल्कुल बकैती, बच्चों की तरह हरकत। लिटरली मैं सोचता भी नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, कि क्या है नहीं है। तो खैर, यही था बेसिकली इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, ये था कि जो हमारा बचपन और मासूमियत यानी इनोसेंस है ना, वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दुनिया के बारे में पता चलता है ना, हम वो चीज़ों को खो देते हैं। और अगर हमने ये बचपना और मासूमियत को खो दिया ना, तो ये हमारे पास दोबारा वापस नहीं आने वाला। हाँ, बट अगर तुम दोबारा ये बचपन और मासूमियत को जीना चाहते हो, तो वो बच्चों के चेहरों पे आज भी मिलेगा तुम्हें। तो अपना बचपना को मत खोना, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। मेरा एक दूसरा चैनल भी है द सिब्लिंग्स के नाम से, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल।